हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुजय कुमार आपका स्वागत करता हूं इसके एक्सेल ट्रिक में। आज मैं आप लोगों के लिए जो फॉर्मूला लेकर आया हूं, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप ऑफिस में यूज करते हैं, अगर ऑफिस में काम करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है ऑफिस में बहुत बार यूज होता है। चलिए अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट, और दूसरा जो लिखा हुआ है वी लुक अप विद मैच काउंट टेक्स इन डेटा एंड सम इफ। सबसे पहला जो है सब्स्टिट्यूट। समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन शेयर जरूर करें। कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये फॉर्मूला कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट ये है क्या, सब्स्टिट्यूट का काम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन बता दूं। सब्स्टिट्यूट जो होता है यानी उस डेटा को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमने लिखा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, तो ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया कोमा। अब ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट कौन सा, तो इसी में से हम कोई ओल्ड टेक्स्ट देंगे यानी हमें जिसे हटाना है, तो हमने दिया सिंह का SINGS। यहाँ पे देखेंगे आप सिंह लिखा हुआ है कोमा, डबल कोटेशन दीजिए कोमा डबल कोटेशन। अब उसकी जगह क्या लगाना है, तो हमें लगाना है सिंघा ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अमित कुमार सिंघा लिखा हुआ है। इसको आप ड्रैग करेंगे तो नीचे में तो थ्री लेटर का कोई इसमें नहीं है, तो इसके वजह से अगर आप चाहते हैं तो उसमें से हम कुमार हटा दें, तो देखिए इक्वल टू सब्स्टिट्यूट इस टेक्स्ट को लीजिए कोमा, इसने कहा ओल्ड, तो ओल्ड टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हैं, तो कुमार देना चाहते हैं। अब कुमार की जगह हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए आ गया, तो वो जो कुमार है वो हट जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये है सब्स्टिट्यूट। अब दूसरा जो फॉर्मूला है ये है वी लुकअप विद मैच। मैं बता नहीं सकता इसका प्रयोग कितने बार मैं कर चुका हूँ ऑफिस में भी और इंटरव्यू में, खासकर ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला बनाऊ। तो ये वी लुकअप मैच क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा आपने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आइटम नेम है, प्राइस डेल का है, प्राइस टू सोनी का है, प्राइस थ्री एचपी का है, माउस कीबोर्ड लैपटॉप, तो सबका अलग अलग प्राइस है। और आइटम ने मैंने यहाँ पे दे रखा है माउस और प्राइस दे रखा है डेल का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माउस यहाँ लिखा हुआ है और ये डेल का जो प्राइस है वो है 250, यानी कि माउस का 250 रुपए में। तो ये आखिर आया कैसे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू मैंने लिखा वी लुकअप, वी लुकअप में ये कहता है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कौन सा, तो हमें क्या जिसे मैच करना है, हमें लीजो लेना है माउस के मैच करकर, तो मैंने कोमा दिया। अब ये कह रहा है टेबल अरे, तो यही डेटा है जहां हमें, जहां से हमें लेना है, तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया। अब कह रहा है कोमा, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कोमा लिखा तो लिखा इसने कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, हमें डायरेक्ट लिखना है मैच, क्योंकि हमें उस डेटा से मैच करवाकर हमें यहाँ अमाउंट को लाना है यानी कि प्राइस को लाना है। अब ये कह रहा है मैच, तो यहाँ पे ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमें लुकअप वैल्यू किसका, तो हमें प्राइस का लेना है। तो हमने ये जो प्राइस है डेल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कोमा। अब ये कह रहा है लुकअप अरे, तो ये जो डेटा है हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे यानी कि वर्टिकल सेट नहीं करेंगे, हमें करना है होरिजेंटली। तो ऊपर वाले जो डेटा है, जो ऊपर हेडर है, जो नाम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें वहां के डेटा को सिलेक्ट करना होगा कोमा। बाय डिफॉल्ट हम जीरो लगाते हैं वी लुकअप में, मैच में, एच लुकअप में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम जीरो प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 250 आ गए। तो ये है वी लुकअप विद मैच, यानी कि वी लुकअप के साथ मैच कैसे यूज करें। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपका आता है काउंट टेक्स इन डेटा। अगर आपके डेटा में बहुत सारे नंबर डेटा है, वहां पे हम चाहते हैं कि टेक्स को काउंट करें, तो टेक्स काउंट करेंगे कैसे, आप यहां देखिए 1 2 3 4
फाइव, यहाँ पे फाइव दिए गए हैं। अगर आप यहाँ रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे भी फाइव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिक्स लिखता हूँ एस आई एक्स इंटरफेस करता हूँ तो देखिए वहाँ सिक्स हो गया। आखिर ये कैसे हुआ, इस पे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम इसको डिलीट मारते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काउंटा और ये डेटा सेलेक्ट किया हुआ, फिर माइनस काउंट, बहुत इजी है। हमने लिखा सी ओ यू एन टी ए काउंटा और ये डेटा को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज माइनस और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया। अब ये कह रहा है ये डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने माइनस दिया तो हम अब लिखेंगे काउंट, काउंट लिखेंगे। अब ये कह रहा है वैल्यू वन, तो इस वैल्यू वन को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटरफेस कीजिए, आ गया छे। अगर हम यहाँ पे छे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एस ई वी ई एन सेवन तो ऑटोमेटिक वहां पे सेवन हो गया। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट को ही काउंट करेगा, नंबर को काउंट नहीं करेगा। चौथा जो फॉर्मूला जो हमारा आता है वो आता है सम इफ का। सम इफ का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या है कि डेटा को सम करता है। अब इस डेटा को यूज हम करेंगे कैसे वो देखिए। हमने यहाँ पे लिखा सम इफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजल्ट में तो सम इफ लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करते कैसे हैं, इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सम इफ का और यहाँ डेटा मैंने सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है रेंज, अब ये रेंज लेना कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है विकास कुमार, तो ये नेम कहाँ है, तो ये है नेम, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब कोमा कर दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्रिटेरिया, तो क्रिटेरिया कौन सा, ये जो नाम है वही मेरा क्रिटेरिया है, तो मैं इस नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब कोमा। अब ये कह रहा है कि प्राइस, अब ये प्राइस क्या है, तो ये जो यहाँ पे देखेंगे सम रेंज कह रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ब्रैकेट और इंटरफेस कीजिए। ये देखिए विकास कुमार का जो प्राइस है वो माउस का है 150 रुपया, तो है ना मजेदार। तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।